तो राइट फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं कौन है वीडियो के साथ, जिसमें आज को नाम मोटो G32 का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को अंडर 12,000 का एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन होने वाला है। और जिन बंदों को अंडर 12,000 का एक बेस्ट मोबाइल चाहिए, तो उनके लिए ये मोबाइल सबसे बेस्ट होने वाला है। आज को हम इसका फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही इसके नाम गेमिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर 12,000 का एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढते हैं। मोबाइल के सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बस फुल वॉच करना, याद से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि बॉक्स कुछ इस टाइप का, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S20 जैसा बॉक्स है, जिसके अंदर आप सभी लोग देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ मिलता है। वैसे तो कुछ ज्यादा तो उम्मीद है नहीं कि इसके अंदर और कुछ मिले, तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर में आप सभी लोग का मोटो G32 का वो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है कि आप सभी लोग के ऊपर में आप सभी लोग का मोटो G32 देखने को मिल जाता है। इसको सबसे पहले हम साइड में रख लेते हैं, क्योंकि और देखते हैं कि अंदर में आप सभी लोग और कुछ देखने को मिलता है या नहीं। तो गाइस देखते हो कि अंदर में आप सभी लोग को एक और जब जाओगे तो उसके अंदर आप सभी लोग को देखते हो, अंदर में निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, शायद कुछ और भी हो। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक होने चाहिए, वैसे तो पतला इसके अंदर शायद चार्जर ना दिया हो, वो भी हो सकता है, बट देखते हैं कि अंदर और क्या चीज़ है। बस गाइस आप सभी लोग को इसके अंदर यही चीज़ देखने को मिलता है, ये एक छोटा सा आई थिंक मेरे हिसाब से केस है, को निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आई थिंक देख सकते हो कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है। तो गाइस बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों को सिर्फ इतना चीज देखने को मिल जाता है, और कुछ चीज तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर का जो केस भी हो भी आप सभी को बाहर से लेना पड़ेगा, साथ ही इसका जो चार्जर भी हो वो भी आप सभी लोग को बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो आप लोग देखते हो कि यहाँ पास आप सभी लोगों को मोटो G32 का जो पीछे में जो आप सभी लोगों को जो डिजाइन दिया गया, वो कुछ यहाँ पास सिल्वर कलर का जो डिजाइन दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा रियल लगता है। तो गाइस इसका फुल तो आप सभी लोगों को दिखा देगा मोबाइल किस टाइप में क्या कुछ है। चलिए अब हम इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस मोबाइल कैमरे की बात कर लेते हैं, तो आप सभी लोगों को इस मोबाइल के अंदर 50+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखो मिल जाता है, एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। आई थिंक इस बजट में सिर्फ 2 या 3 मोबाइल फोन ही ऐसे हैं जिसके अंदर आप सभी लोगों को 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस मोबाइल के डिस्प्ले की बात करें, तो आप सभी लोगों को इस मोबाइल के अंदर 6.55 इंच का फुल HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम इस मोबाइल के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मोबाइल को गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, और गेमिंग के लिए अच्छा और बेस्ट मोबाइल वो भी 12,000 में तो मिलना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी कारण मैं आप सभी लोगों को ये वाला मोबाइल लेकर आऊँ, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर लगा हुआ है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसके डिस्प्ले में आप सभी लोगों को 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग बहुत ही स्मूथली गेमिंग कर सकते हो। और इस मोबाइल के अंदर आप लोग को टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बात हो गया, अब इसका टेस्ट भी कर लेते हैं कि इसके अंदर आप लोग गेमिंग भी कर सकते हो या नहीं, या फिर किस लेवल पर आप लोग गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फ्री फायर को लॉगिन करके अपना आईडी लॉगिन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप सेटिंग में जाते हैं, सब कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी को जनरल को पहले फुल कर लेते हैं, और रेड डॉट को तो उतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में भी स्टैंडर्ड यहाँ पर सही है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर आप लोग स्टैंडर्ड में ही खेल सकते हो। इसके अंदर मैंने गेमिंग करके देखा, और इसके अंदर गेमिंग के टाइम मुझे तो किसी टाइप का भी इशू नहीं देखने को मिला। हाँ, बस थोड़ा सा स्क्रीन का जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा मेरे को स्लो लगा इसके अंदर, बाकी सब इसका जो मोबाइल का परफॉर्मेंस था वो काफी बढ़िया था। मेरा गेम प्ले थोड़ा खराब था, वैसे कोई ना गाइस, क्योंकि मैंने गेम प्ले भी बहुत जल्दी लेम किया था, बट फिर भी जो भी था गाइस, मैंने आपसे बस गेम प्ले करके साथ ही इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें मतलब किया था, तब जाके ये सब हुआ। एनीवेज दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।